तो भाई शुरू करते हैं हम RSI। RSI का नाम सुना होगा, एक इंडिकेटर है, सुना भी होगा, लोग बाग यूज भी करते होंगे। लेकिन RSI कुछ लोग करते हैं ओवरसोल्ड ओवरबोट, यानी कि 70 पे जाएगा तो ओवरसोल्ड हो जाएगा और 30 पे आएगा तो ओवरबोट हो जाएगा। अब कुछ लोग करते हैं 80-20, यानी कि 80 पे जाने के बाद ओवरसोल्ड हो जाता है और 20 पे जाने के बाद ओवरबोट हो जाता है। यानी कि 80-20 पे आ गया RSI तो आप इसे बाय करोगे, 80 पे आ गया तो आप इसे सेल करोगे, कोई भी शेयर। लेकिन हम किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करें RSI को देखते हुए, तो ये एक इंडिकेटर है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। RSI 40 और 60, इसकी स्ट्रेंथ है 14, अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40। यानी कि 60 के ऊपर हम बाई करेंगे, 40 के नीचे सेल करेंगे। लेकिन कैसे, हाउ टू यूज, लेकिन कैसे, सवाल ये है इसको हम कैसे यूज करते हैं। सब भी ऐसे ही यूज कर रहे हैं और भी यूज कर रहे हैं 60 और 40, लेकिन हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, 1 मंथ का चार्ट ऐड करना है। अब मंथली में कब हम इस शेयर के अंदर बाय करें और कब इस शेयर के अंदर सेल करें। अब आप एक देखोगे मंथ के अंदर एक जोन था, ये निकला है, मैं एक लाइन काट लेता हूँ, ये एक जोन था, ठीक है, ये यहाँ 60 के ऊपर निकल गया मंथली में, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक चला ये मंथ का ट्रेंड, यहाँ तक चल जाता है, ठीक है, इस नज़र। अब एक जोन मैंने मार्क कर लिया, अब वापस आ जाते हैं हम इसको, डे ले लो आप या वन आवर ले लो, कोई भी ले लो, चलो वन आवर ले लो, ठीक है। अब ये कब बाय करना है, एक एग्जिट एंट्री, यानी कि हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, ये मायने रखती है, हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। ये हमारा जोन है, चलो डे करना पड़ेगा, थोड़ा डे कर ले, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये जोन है हमारा, ठीक है। अब इस शेयर को हम कब बाय करें, मंथ में हमें ट्रेंड तो दिख गया कि RSI हमारा 60 के ऊपर निकल गया, तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट करना है हमें, वो हमारा एक जोन था इसके ऊपर निकला। लेकिन इसमें क्या हम यहाँ बाय करें, नहीं, जब ये शेयर यहाँ आया, यानी कि नीचे आया, यानी कि जहाँ लोग सेल करते हैं, यानी कि 40 के नीचे कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा इसको। अगर आप नोटिस करोगे तो इस शेयर को यहाँ सेल किया होगा, अगर आप यूज करते थे दिन के चार्ट पे तो आपने यहाँ सेल किया होगा। लेकिन ये आपके लिए एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें बाय करने का एक मौका ढूंढना सिर्फ, और उसके बाद देखो आप एक बार क्या रैली दी। फिर उसके बाद ना किसी ने फिर यहाँ पे एक सेल करा होगा, छोटा सा देखोगे आप, यहाँ आकर वापस उसने सेल करा होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बाजार नीचे गया, नहीं गया, वापस एक छोटा सा उसने ट्रेंड फॉलो किया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे फिसला। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ बाय करा होगा इस शेयर को, इंट्राडे में अगर आप देखते हो तो यहाँ बाय करा होगा, बाजार ऊपर गया, यहाँ देखो आप बाय किया, बाजार ऊपर गया, नहीं, वापस नीचे आया, और आप इस शेयर में फिर बाय कब करोगे, बोलो कहाँ बाय करोगे, ये देख रहे हो आप जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ वापस से फिर बाय करोगे। और जैसे ही आप बाय करोगे, आप देखो एक बार वापस चल रहा है, बाय बाय बाय, यहाँ दुनिया सेल करने के लिए लगी होगी, अगर आप इसे देखोगे यहाँ दुनिया सेल कर रही होगी, लेकिन आप क्या कर रहे होगे उस समय, बाय। अगर आपको भीड़ के साथ, यानी कि भीड़ का हिस्सा बनना है, तो आप जो तरीका यूज़ करते हो आप उसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको भीड़ से अलग चलना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी ही कॉन्टैक्ट वीडियो लाता रहूँगा मैं।